बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे दरमियान मौजूद हैं इस वक्त मारूफ समाजी रहनुमा और इंतहाई मकबूल शख्सियत यूथ के हवाले से अयाज बंदुकड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अयाज भाई? कैसे, ठीक हैं आप? बिल्कुल। अयाज भाई, एक मिमनी ड्रामा होने जा रहे हैं 23 जून को आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, अहमद शाह के ताउन से, मेमन एंटरटेनमेंट के ताउन से, ई तो थीनो, क्या कहेंगे आप? मिमनी में कहेंगे बताएगा ना। पहले तो फरहान शरीफ जो शुक्रिया कि माशाल्लाह आजकल हर जगह पे उमदा लेने जो लेजो इन्हें जो इखलाक जो शुक्रिया, थैंक यू माशा। तो ये ड्रामे जो इनकी खबर पी अज असा जो हुसैन बंगाली जो क्रिकेट जो प्रोग्राम आए मकामी होटल में पीसी में इनोग्रेशन हुई, इनमें माशाल्लाह आखिरी छत के नीचे बदे क्रिकेटर बदे यूथ भी मौजूद। क्रिकेटर अगर भानू आए मगर अगर यूथ के आखिरी जगह पर जमा करें जो बदे के ना वो अगर सिंबल आए अलहमदुल्ला जो आए चुआ ड्रामे जो यही तो थीनो यानी के ऐसा तो होगा और ऐसा तो होगा ये तो होगा। एक ड्रामे का डायलॉग भी है ना ये तो होगा। तो मैं फरहान शरीफ को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे दौर के अंदर जिसमें आदमी इंसान नफसा नफसी के दौर में बिल्कुल पागल हो चुका है, महंगाई के दौर में अकेले अकेले बातें कर रहा है और नफसियाती हो चुका है आदमी, इसमें एक मुस्कुराहट वाला एक ड्रामा जिसका नाम है ईद थीनो, तो 23 जून 2022 अनकरीबी है। तो मैं चाहता हूँ, फरहान शरीफ भी चाहते हैं कि आप पूरी कौम मेमन बिरादरी खास करके मेरे यूथ, जो मैं यूथ के हवाले से आपको कहता हूँ कि मेरे यूथ मेरे साथ आए, फरहान शरीफ की तरफ से उनकी पूरी टीम की तरफ से हमें पूरी डेलीगेशन के साथ हम आएंगे 23 जून। मैं आपका वेट करूँगा, मैं आपका दोस्त आपका चेयरमैन आपका इंतज़ार करेगा। ड्रामे का नाम है ईद थीनो यानी कि ऐसा तो होगा। तो मैं आपका वेट करूँगा, आई एम वेटिंग फॉर यू।